शेख सादे की पुस्तक गुलिस्तां दूसरा अध्याय पांचवी कहानी। जो अज कौमे यकी वेदानशी करद न कहरा मंजिलत मानत न मेहरा। यानी जाति का कोई व्यक्ति भी यदि गलती करता है तो उस जाति के छोटे बड़े सभी आदमियों की अप्रतिष्ठा हो जाती है, उनकी बुराई होती है। कुछ मुसाफिर परस्पर के दुख सुख के भागी होकर एक साथ सफर कर रहे थे। मैंने उन लोगों से कहा कि मुझे भी अपने साथ ले लो, पर उन लोगों ने इनकार कर दिया। तब मैं बोला कि परोपकारी धर्मात्मों का यह काम नहीं है कि वो गरीबों से मुंह फेर ले और उन्हें ऐसे संगत से वंचित रखे। मैं उतनी शक्ति स्वयं प्राप्त करना जानता हूँ कि जिससे मैं एक कामकाजी दोस्त बनूं, न कि लोगों का विघ्नकारी। यद्यपि मैं किसी जानवर पर सवार नहीं हूँ, किंतु तो भी मैं आप लोगों का बोझा ढोले चलूंगा। उनमें से एक ने कहा, जो बात तुमने सुनी है उससे दुखी मत होना, क्योंकि थोड़ी ही देर हुई कि एक चोर दरवेश के रूप में हम लोगों की मंडली में घुस आया था। कोई कैसे जान सकता है कि किसके जामे के नीचे क्या है? लिखने वाला ही जानता है कि पत्र में क्या लिखा है। अब मैं अपनी कहानी की तरफ लौटता हूँ। दरवेश की हालत सब जगह पसंद की जाती है, इसलिए लोगों ने उसकी पवित्रता के संबंध में बिल्कुल शंका न की और उसे अपने समाज में आने दिया। धर्म का बाहरी भाग दरवेशों की पोशाक होता है, मनुष्य की सूरत के लिए यही काफी है। अपना कार्यकलाप अच्छा रखो, फिर जैसा चाहो वैसा कपड़ा पहनो, चाहे सिर पर ताज रखो चाहे कंधे पर निशान उठाए फिरो, क्योंकि गाढ़ा कपड़ा पहन लेने से ही कोई ईश्वर भक्त नहीं बन जाता। साठिन की पोशाक पहनो और सच्चे धर्मात्मा बनो। सांसारिक लालसा और वासनाओं के परित्याग करने में ही मनुष्य पवित्र आत्मा बन जाता है। केवल कपड़े बदलने से कुछ नहीं होता, युद्ध में मनुष्यत्व की जरूरत होती है। हिंजड़े के बख्तर किस काम का? संक्षिप्त हाल यह है कि एक दिन हम लोगों ने अंधेरा होने तक सफर किया और रात में हम एक किले के नीचे सो गए। वो निर्दय चोर स्नान करने का बहाना करके अपने एक मित्र का लोटा ले गया और उसके बाद चोरी की तलाश में निकल गया। इस आदमी को देखो कि जिसने साधुओं की पोशाक से अपना बदन ढांक कर काबे के पर्दे को गधे की जूल बना है। दरवेश की नजर से बाहर होते ही उसने एक बुर्ज पर चढ़कर गहनों का एक डिब्बा चुराया। सवेरा होते होते ये काले हृदय वाला हतभागा बहुत दूर निकल गया और सवेरे इसके दोस्त बेचारों को, जिनको वो सोता छोड़ गया था, उन्हें किले में ले जाकर कैद खाने में बंद कर दिया। उस दिन से हम लोगों ने अपनी मंडली के न बढ़ाने और उदासीन बनकर जीवन निर्वाह करने का इरादा कर लिया है, क्योंकि निर्जन स्थान में ही शांति निवास करती है। जब किसी वंश का एक मनुष्य कोई मूर्खता का काम करता है तो फिर छोटे बड़े में कोई प्रभेद नहीं रह जाता, सबके सब अपमानित होते हैं। क्या तुमने ये नहीं सुना कि चरागाह का एक ही बैल गांव के सारे बैलों को दूषित कर देता है? मैंने उत्तर दिया, उस प्रभावान परमेश्वर को धन्यवाद है, यद्यपि उन लोगों ने मुझे अपने समाज से अलग कर दिया है, तथापि धर्मात्मा लोग जो सुख भोगते हैं मैं भी उन सुखों से वंचित नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इस कहानी से ऐसी शिक्षा मिल गई है कि जो हमारे जैसे आचार व्यवहार के मनुष्य को बाकी के जीवन भर उपदेश देने का काम करेगी। समाज के एक उद्दंड मनुष्य की वजह से अनेक ज्ञानियों का दिल दुखता है। यदि तुम किसी हौज को गुलाब जल से भर दो और उसमें एक कुत्ता गिर पड़े तो उससे वह अपवित्र हो जाएगा। शिक्षा, आजकल भी ऐसे ढोंगी साधु बहुत मिलते हैं जो वास्तव में साधु नहीं है, किंतु उन्होंने अपना ऊपरी पहनावा और ढंग ऐसा बना रखा है जिससे लोग उन्हें असली साधु समझे। ऐसे बनावटी साधु भोले वाले लोगों पर अपना हाथ खूब फेरते हैं। इस कहानी का यह मतलब है कि सच्चे साधुओं को अपना आचरण साधुओं का सा रखना चाहिए, सांसारिक विषय वासनाओं से दूर रहना चाहिए। जिसे विषय वासना नहीं सताती, जिसे किसी चीज की इच्छा नहीं रहती, जिसने तृष्णा को त्याग दिया है वही सच्चा साधु है। वो इच्छा अनुसार मलमल नयन सुख
और मखमल के वस्त्र पहनने पर भी निर्दोष साधु कहा जा सकता है, किंतु जो लोग गेरुए या और किस्म के कपड़े पहनते हैं, चित्रों से शरीर ढांकते हैं, राख धूल से शरीर रंगते हैं, किंतु विषय वासना को नहीं त्यागते, तृष्णा से पीछा नहीं छोड़ा सकते, वे साधु वेशधारी होने पर भी साधु नहीं कहे जा सकते, उनको ठग और मक्कार कहना चाहिए। ऐसे ढोंगी साधु सच्चे साधुओं को भी बदनाम करते हैं। इनकी वजह से असली और नकली साधुओं को पहचानना मुश्किल हो जाता है। जिस तरह एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, उसी तरह ढोंगी या नकली साधु सारे साधु समाज को बदनाम करते हैं। कहानी समाप्त।